नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना वायरस शहर से लेकर गांव तक अपना कहर बरपा रहा है। शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाके भी कोरोना की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। ग्रामीण इलाकों में बुखार, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत से लोगों की मौत होने की खबरें हैं। इससे लोगों में दहशत है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पिछले 2 महीने में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के गौनर गांव में पॉजिटिव केस और मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। यहां 2 महीने में हुई 100 मौतों से लोग हैरान हैं। हैरत की बात यह है कि 15,000 की आबादी वाले इस गांव में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर चौरी चौरा तहसील के सरदार नगर ब्लॉक के गौनर गांव में पिछले 2 महीने में 100 लोगों की मौत होने की खबर है। इनमें से अधिकतर पॉजिटिव रहे तो वहीं बाकी को भी बुखार, सर्दी, खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी रही। गांव के हर घर में कोई ना कोई पॉजिटिव है। यहां तक कि इस गाँव के प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कोई न तो घर से निकलना चाहता है और ना ही किसी से बात करना चाहता है। लोग आसपास के घरों में जाने से भी डर रहे हैं। इसकी वजह भी साफ है। 2 महीने में हुई 100 मौतों ने इस गांव के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। आज तक की खबर के मुताबिक गांव के निवासी पप्पू ने बताया कि पिछले 2 महीने में गाँव में 100 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अधिकतर कोरोना से मरे। ज्यादातर की मौत असामयिक हुई। टेस्टिंग होती ही तो पता चलता कि मौत कैसे हुई। पप्पू ने आगे कहा कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। यहाँ के प्रधान कैलाश निषाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो आइसोलेट हैं। गांव में डर का माहौल है और अस्पताल में कहीं कोई जगह नहीं है। वही गौनर गांव के बुजुर्ग मुन्ना प्रसाद बताते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ ना तो अस्पताल है ना ही कोई डॉक्टर। वहीं गांव के ही निवासी रमाकांत शर्मा बताते हैं कि गांव में 2 महीने में 100 लोगों की मौत हुई है। मौत कैसे हुई उन्हें जानकारी नहीं है। डर तो लग ही रहा है, कोरोना की वजह से डर लग रहा है। डर बना हुआ है क्यों और कैसे लोग मर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। गांव के ही मेवालाल निषाद बताते हैं कि 80% लोगों में डर और दहशत है। बता दें कि गांव में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए योगी सरकार ने कई दावे किए हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। ज़्यादातर गांव में न तो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं और ना ही लोगों के लिए क्वारंटीन करने के कोई इंतजाम है। ऐसे में कैसे ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।